दो प्राणी थे, एक मनुष्य था एक जानवर था। जानवर मतलब भैंस था। अब वो उनका परिस्थिति ऐसा था, अगर उसमें से उन दो जनों में से कोई भी तीसरा बैठ जाए या उदाहरण के तौर पे ये भी रख दिया जाए तो वो नाव डूबने वाला था। तो उसी वक्त क्या हुआ, जो भैंस जो था उसने पोटी कर दी। तो पोटी करने के बाद क्या हुआ आप कमेंट्स में जरूर लिखना, या नाव डूबा या नाव नहीं डूबा या क्या हुआ आप कमेंट्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों स्वागत है शेफ तामांग कुकिंग शो में, मैं हूँ शेफ तामांग। तो आज मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही शानदार चिकन, बहुत ही फेमस चिकन है, चिकन ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल। जो रेस्टोरेंट में जो ग्रेवियां बनाते हैं ना, वही ग्रेवी को मॉडिफाई करके उसको एकदम मजेदार के साथ में मैं बनाने वाला हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट देके मैं बनाने वाला हूँ। देखिए मेरे पास बॉयल टमाटर और मिलन सी है, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। प्याज चाहिए, थोड़ा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और गार्लिक जिंजर पेस्ट, ये तो घर में अवेलेबल रहता ही है। तो तैयार हो जाइए, इसका कुछ काम नहीं है, तैयार हो जाइए मेरे साथ बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने पहले ही चिकन कट के रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आधा किलो चिकन का बना रहा हूँ। तो इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको गार्लिक जिंजर पेस्ट डालना है 1 चम्मच। देखिए इतना सा लेमन वेजेस काफ़ी, आधा किलो चिकन में 1 चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट और लेमन जूस डाल दीजिएगा। अब थोड़ी सी नमक डालना है, हम नमक ग्रेवी में भी डालेंगे तो आप ज़्यादा नमक मत डालिएगा। अब इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करके, मतलब चारों तरफ गार्लिक जिंजर पेस्ट और लेमन लगा के आपको आधा घंटा फ्रिज में रखना है। देखिए मैंने पहले ही टमाटर और मिलोन सीड मतलब मगज बॉईल करके रखी हुई है। देखिए मैंने बॉईल किया हुआ है। तो इसको क्या करना है आपको, मिक्सी में पीसना है बस। चलिए शुरू करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। प्याज डालना है आधा किलो, चिकन में इतना सा प्याज लगेगा आपको। देखिए हमने प्याज से शुरू कर दी है। इस प्याज को क्या करना है आपको, अच्छी तरीके से भूनना है और खत्म करेंगे कहाँ पर, गरम मसाला में। देखिए ज्यादातर इंडियन खाना में हम लोग अदरक लहसुन पेस्ट और ऑनियन टमाटर होना ही चाहिए। मतलब ऐसा डिश भी है जो प्याज प्याज अदरक लहसुन नहीं जाता है, लेकिन ज्यादातर इंडियन खाना में गार्लिक जिंजर पेस्ट और प्याज और टमाटर जाता ही है। तो देखिए मैंने जो पहले आपको दिखा था टमाटर बॉयल, टमाटर टमाटर को क्या करना है, बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद में मगज बोलते हैं, मगज को साथ में बॉयल कर पीसना है। देखिए मैंने पीस दी है। इसको ब्राउन होने के बाद में इसको डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बहुत ही मजेदार टेस्ट होगा। बिना स्किप करते हुए देखिएगा, आप लोग का कमेंट्स देखकर पता चलता है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो को नहीं देखते हो। कहीं कमेंट्स ऐसा होता है आप लोग कमेंट्स करते हो, मैंने वहां पे लिख रखा है इसमें इतना डालिए, इसमें इतना डालिए, आप लोग कमेंट्स करते हो। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना, तभी आपका चिकन नंबर 1। देखिए हमारा प्याज जो है ना बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, इस तरीके से आपको ब्राउन करना। आप क्या करना है, ये जो हमने पेस्ट करके रखा था टमाटर और मगज का, ये यहाँ पर डालना है आपको। अब हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी चिली पाउडर, धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसको 3 मिनट तक स्लो फ्लेम में पकाना है। जैसे 3-4 मिनट आप पकाते जाएंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, हिलाते रहिएगा। देखिए इस तरीके का हो जाएंगे। तो अब आपको डालना है चिकन। देखिए हमने चिकन भी डाल दी है। अब ये जो चिकन है एकदम धीमी आंच में धीरे 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 पकाना है, जब तक आपका चिकन पक ना जाए। तो देखिए ये बहुत ही मजेदार चिकन होने वाला है, हिलाते रहिएगा ताकि ना चिपके बीच बीच में आपको। देखिए ये हमने भून भून के जो है रोगन निकाल दी है। अब यहाँ का जितना भी मसाला है हमारा पक चुका है। अब हम डालेंगे यहाँ पर पानी, थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। देखिए थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे हम लोग। इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा आप। अब इसको आपको 3 मिनट तक पकाना है। देखिए इस तरीके का हो जाएगा आपका चिकन पकने के बाद में। आपको क्या करना है, देखिए आप डालना है आपको गरम मसाला, 1 चम्मच आपको फ्रेश क्रीम डालना है, आपको धनिया पत्ता डालने ना भूलिएगा।
देखिए आपका रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, लपलपा करी के साथ में आपको मैंने जूम करके दिखाया है, इतना अच्छा डिश बना के दिखाया है। आप है खाने का बारी, आप ही तैयार हो जाइए, अगर तैयार नहीं तो बना लीजिएगा। देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।